इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको एक ऐसी ट्रिक के बारे में बताऊंगा जिसके जरिए आप अपने मोबाइल की किसी भी एप्लीकेशन को हाइड करके रख सकते हैं और उसके लिए आपको कोई अलग से एप्लीकेशन भी डाउनलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये ट्रिक अप्लाई करने के बाद आप अपना मोबाइल किसी को भी दे दीजिएगा, वो कोई दूसरा बंदा नहीं पता लगा पाएगा कि आपने अपने मोबाइल के अंदर कोई एप्लीकेशन हाइड करके रखी भी है या नहीं। तो ये ट्रिक कैसे काम करती है ये जानने के लिए वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा। सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पर भी पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। तो जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आप अपने मोबाइल के अंदर सेटिंग वाला जो ऑप्शन होता है इसको ओपन कर लीजिए और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन सर्च करना है, प्राइवेसी। ये देख रहे हैं आप, ये आपको सर्च करना है, ये सभी मोबाइल के अंदर होता है। तो सेटिंग में आप सर्च कर लीजिए, अगर आपको नहीं मिल रहा सिंपल यहाँ पर प्राइवेसी लिख के उसको सर्च कर लीजिए। उसके बाद जब आपको पता लग जाता है कि ये ऑप्शन कहाँ है तो इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा, प्राइवेसी एंड ऐप्स इनक्रिप्शन, ये वाला आप ऑप्शन देख पा रहे होंगे, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे एंटर योर प्राइवेसी पासवर्ड, यहाँ पर आपको 6 डिजिट का पासवर्ड बनाना पड़ेगा। अदर ऑप्शन पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आप 4 डिजिट का ही बना सकते हैं, पैटर्न लॉक बना सकते हैं या अपने नाम से बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैं 4 डिजिट का क्लिक करता हूँ और 4 डिजिट का एक प्राइवेसी पासवर्ड बना देता हूँ। तो आप यहाँ पर कुछ भी बना सकते हैं, मैं ये सिर्फ एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। 2 बार आपको पासवर्ड बनाना है, इसके बाद आपके सामने ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, ऐप्स इनक्रिप्शन और ऐप्स हाइडिंग। तो ऐप्स हाइडिंग पर आपको जो है क्लिक कर देना है, जहाँ से आप कोई भी ऐप हाइड कर पाएंगे। तो यहाँ पर आपके मोबाइल में जितनी भी एप्लीकेशन होगी वो यहाँ पर दिखाई देगी। तो जौन सी भी एप्लीकेशन आपको हाइड करनी है उस पर इस तरीके से इसको इनेबल कर दीजिए कन्फर्म पर क्लिक करके। तो यहाँ पर मैं 4-5 एप्लीकेशन पर इस तरीके से जो है क्लिक कर देता हूँ जो मैं हाइड रखना चाहता हूँ। तो व्हाट्सअप भी मैं हाइड करूँगा और एक विडमेट की एप्लीकेशन, ये भी मैं हाइड करूँगा। तो कन्फर्म पर मैं क्लिक कर दूंगा और ये एप्लीकेशन जो है हाइड हो जाएगी। इसके बाद मैं अपने मोबाइल की होम स्क्रीन पर आ जाता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ ये एप्लीकेशन सच्ची में हाइड हुई है या नहीं। तो यहाँ पर मैं एप्लीकेशन ओपन कर लूँगा अपने मोबाइल की जितनी भी होगी। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जो एप्लीकेशन पर मैंने टिक करा था वो एप्लीकेशन यहाँ पर आपको नहीं दिखाई देगी। तो देख पा रहे होंगे वे एप्लीकेशन हाइड हो चुकी है। अब आपको उनको ओपन कैसे करना है, जब भी आपको उनको ओपन करना होगा सिंपल आपको सेटिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और वही वाला जो प्राइवेसी वाला फीचर है उसको ऑन कर दीजिए। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे सिंपल प्राइवेसी एंड ऐप्स इनक्रिप्शन, पासवर्ड डालेंगे जो अपने प्राइवेसी पासवर्ड बनाया था, एंटर योर स्क्रीन लॉक, यहाँ पर आपको स्क्रीन लॉक भी डालना पड़ेगा अगर आपने लगा रखा है। तो यहाँ पर मैंने स्क्रीन लॉक भी लगा रखा था। उसके बाद विम हिडन ऐप्स, तो ये ब्लू कलर में आपको दिखाई देगा इस तरीके से और यहाँ पर आपकी सारी हिडन एप्लीकेशन शो हो जाएगी इस तरीके से। यहाँ से आप कोई सी भी ओपन कर सकते हैं और किसी को पता भी नहीं लगेगा। और अगर आप दोस्तों इसको दोबारा से अनहाइड करना चाहते हैं, अब आपको जो है हाइड नहीं करनी है, तो दोबारा से आपको हाइड एप्लीकेशन पर जाना है और यहाँ से इनको टिक हटा दीजिए इस तरीके से। तो यहाँ पर मैं सारी ओपन से जो है एप्लीकेशन पे टिक हटा दूंगा और सिंपल जैसे ही मैं स्क्रॉल करूंगा तो देख सकते हैं आप यहाँ पर वे सारी एप्लीकेशन दोबारा से शो हो जाएंगी जो मैंने हाइड करी थी। तो इस तरीके से आप किसी भी मोबाइल के अंदर बिना किसी एप्लीकेशन को डाउनलोड करे कोई भी ऐप छुपा सकते हैं। तो ये ट्रिक आपको कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन पर लिखकर जरूर बताना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।